सो भाई डे 7 स्टार्ट हो चुका है हमारा। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और फिलहाल हमने लेक अपना जितना भी हम मैक्सिमम टूर कर सकते थे, जितनी हमारी हिम्मत थी करने की, हमने वो सारा कंप्लीट कर लिया है। और ताज्जुब की बात है, हम शांति स्तूपा जो दिख रहा पीछे उसके जैसे नीचे, और हम वहाँ तक नहीं गए हैं। मतलब हमने ले के आसपास हर जगह घूम लिया, ले ही नहीं घूमा सडन से क्योंकि मार्केट क्लोज थी। खैर व्हाटएवर, फिलहाल हम श्रीनगर के लिए निकल रहे हैं। तो फिलहाल अभी एट प्रेजेंट 8 बजे हुए हैं और हम यहाँ से निकलने की पूरी तैयारी चल चुकी है। गाड़ी अपनी तैयार है, सामान पैक हो चुका है, सेटल हो चुका है। वी जस्ट नीड टू मूव नाउ। सो विल सी आज कुछ एडवेंचर्स होता है नहीं होता, अदरवाइज मे बी शायद हम आज अपना कुछ रिव्यू दें अपने लद्दाख की ट्रिप के बारे में। तो बने रहिएगा लास्ट तक। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डू व्हाट एवर यू वांट, जस्ट डू इट। एंड वन मोर थिंग, रिव्यू का आइडिया लिटरली भाई अंकुश भाई की तरफ से आया था, क्योंकि इनको भी लगा कि यार बताना चाहिए। तो बने रहिएगा, ठीक है। चलो भाई शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। अभी भाई हमने जर्नी अपनी शुरू भी नहीं करी है, और कल लद्दाख से आते वक्त, सॉरी क्या नाम है, पैंगोंग लेक से आते वक्त ना काफ़ी ज़्यादा रास्ता ख़राब था, तो उसकी वजह से ना गाड़ी के अंदर कुछ वाइब्रेशन आनी शुरू हो गई थी। लाइक स्टेयरिंग अगर राइट साइड हम पूरा काट रहे हैं, देन आफ्टर वॉज ग्रर कर रहा, कुछ डोंट नो बुश वगैरह प्रॉब्लम क्या चीज़ है। जो भी है, आई होप दिक्कत बढ़े ना, ज़्यादा बेटर रहेगा। हमारी बोंगी प्यारी डिस्टर्न ने इतनी दूर तक साथ दिया है, आगे तक पूरा साथ देगी। तो चलो यार करते हैं। और ये बहुत देर से टेस्ट ड्राइव, बस ये बाहर निकाल ले गाड़ी यार, अब वेट नहीं हो रहा है यार, बहुत देख लिया इन नंगे पहाड़ों को, अब पहाड़ देखने का मन नहीं कर रहा भाई, बहुत देख लिया यार। भाई जस्ट हम अभी मार्केट में पहुंचे हैं, रीज़न के हमें एक बार मैकेनिक को भी चेक करवानी थी गाड़ी, और रही सही हमारे पास ना दो ऑक्सीजन सिलेंडर बच गए थे। तो ये थॉट क्या यार, जब वापस हो सकते हैं वापस कर दे, क्योंकि यार यहाँ पर 700 रुपये का एक ऑक्सीजन सिलेंडर आता है। तो अगर आप लोग कभी भी ले विजिट करते हो, मेरी राय भाई आप लोग ना अपना ऑक्सीजन सिलेंडर अमेजोन से मंगा के ऑनलाइन कैरी करके चलना, क्योंकि यहाँ पर 700 का एक सिलेंडर मिलेगा, सेम चीज़ सेम कंपनी का, हो सकता है ज़्यादा भी क्वान्टिटी है, बड़ा सिलेंडर भी आपको 200-300 रुपये में अमेजोन पे मिल जाएगा। मैंने चेक किया था, शायद अराउंड 1000 में वो 4 सिलेंडर दे रहे और 600 में 2 दे रहे। तो इट्स बेटर कि आप ऑलरेडी प्रिकॉशंस को साथ लेके कैरी करके चले, जब भी आप कहीं हिल स्टेशन में जा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, लाइक अस्थमा वगैरह, तो कोई सजेस्ट नहीं करेगा यार कि आप हाई एल्टीट्यूड पर जाओ। बट क्या नाम है, अगर फिर भी आपको लगता है नहीं यार आपको बीपी की प्रॉब्लम है, या फिर सिकनेस होती है माउंटेन सिकनेस, या फिर आप थोड़ा दौड़ते हो तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपका सांस चढ़ जाते हैं, तो बेटर है कि आप ऑक्सीजन सिलेंडर साथ कैरी करके चले हैं। बाकी तो अभी फिलहाल देखते हैं अभी क्या होता है। ये पूरी हम मान लोकल खत्म, गाड़ियाँ सही गाड़ियाँ सब कुछ यहाँ रिपेयर होता है। मुन्ना कौन है, चलो भाई देखते हैं मुन्ना कौन। प्यार से ले जाइए, कितनी गंदी हो गई यह गाड़ी यार, साफ करनी थी। 4 बार सोच चुके थे साफ करेंगे बट कर ही नहीं, हर बार कुछ ना कुछ अड़ंग गया। हाय यहाँ लगा दी हमने अपनी गाड़ी, अब बस भाई मुन्ना भाई आ जाए, कौन है जो इसको चेक करेंगे, सी खरड़ खरड़ आवाज को सीख रहे। तो खोलिए एक बार, तो भाई चेक करा थोड़ा, पता चला कि शायद नीचे से प्लेट लूज है, उसी की आवाज़ आ रही है। भाई आपका नाम क्या है? सुमित कुमार। और ये वर्कशॉप का नाम क्या है? जन्नत इंजीनियर वर्कशॉप। अरे भाई साहब ये तो तगड़ी आवाज़ हो रही है भाई, आवाज़ कहाँ से आ रही है, आगे से ही आ रही है? यही आवाज़ आ रही है, आगे से ही आ रही है। नीचे से चले जाना, नीचे से भड़बड़ मार के दिखा दे, भाई इसको और आगे लगे अभी, ताकि
आगे से प्रॉपरली चेक हो सके, क्योंकि नीचे काफी सारा डस्ट भरा हुआ है। अरे ये क्या कर भाई पीछे ले जा रहे, 14 हफ्ते कहाँ करना चाहते हैं भैया? अच्छा रोड टेस्ट लेने जा रहे हैं भैया। भाई आप तो अकेले अकेले चलेंगे, हमें भी तो दिखे कुछ, तो फायदा हमारी भी पढ़ाई का थोड़ा बहुत हमें। रिसर्च कराना है बेसिकली। देखो एक मिनट रुको, दिक्कत तो है नहीं, खड़ी करोगे एक बार, खड़ी करो अभी, रुको अब लेफ्ट काट दो पूरा स्टेयरिंग एक बार। अभी तो कम हो गया, मतलब आवाज तो गायब होगी, बस वही आवाज आ रही है मेरे साथ शायद। फिर सील का है, किसका है सील? एक नीचे सील होता है ना, किनसा? ये अपना प्लेट के नीचे जो अपना इंजन बैश प्लेट होती है नीचे। ओके हाँ वही आ रही है फिर आवाज, काफी ज्यादा कूदी थी ना एकदम से गाड़ी। ये आई ओके, चलो भाई आ गए वापस। अरे रोज का काम इनका क्यों टेंशन ले रहा है? ओ करंट बहुत मारते भाई, बताओ छोटी सी प्रॉब्लम थी, कितनी देर आवाज कर रही है भाई? ये प्लेट डिली हो रखी है, कह रहे बोल डिली अभी कस दिया। कौन सी ये जो नीचे गार्ड वाला? अब देखते इस भाई ने खोले नहीं है, ये कस रहा है। अब सोच किस लेवल पे होंगे, ये रास्ते में प्लेट निकल भी जाती तो भरोसा नहीं था इसका। निकल जाती लेकिन फिर मैं उठा लेता। होगी आवाज बंद? होगी प्रिंस पकड़, मैं भी लाता हूँ, पकड़ वीडियो चालू। अब तो ठीक है, तुम टाइप कर दिया ना, हो गया ना, एक बार मार के भी देख ले। चीज बता, गाड़ी को ना जब ऐसे स्टिंग है, जब चढ़ा रहे हैं तो बंद बार। ठीक है भाई जी, थैंक यू। चलो भाई सस्ते में निपट गए, पर जो भी है जैनुअन चीज उन्होंने बताई तो। ले के अंदर एक जगह अच्छी मिल गई, ओके। वर्कशॉप का नाम क्या रहा है? ये नाम है वर्कशॉप का, जन्नत इंजीनियरिंग वर्क्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा वगैरह सब मिलते हैं यहाँ पे। चलो भाई ठीक, चलो भाई चलते हैं। बहुत सारे हैं ना बोला था। हाँ भाई पूरा ये लोकल मैकेनिक्स का। ठीक है, टेंशन फ्री होगा नहीं उसका। देख मेरी मानना भाई, तू बेशक सांप बना या नाग बना या ड्रैगन, तेरी मर्जी। Around 12:06 and we are in the middle of nowhere. हम कहीं रुके हैं बस यार थोड़ा, क्योंकि मैगी वगैरह हमारे पास पड़ी थी काफ़ी कुछ, तो मैंने कहा रास्ते में कहीं कुछ खाना खा लेते, क्योंकि सुबह से हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ इतना खास किया नहीं। मैगी खा लेते हैं, पराठा खा लेते हैं, इतना आफ्टर वीगन आ गया मूव। तो भाई यहाँ पे देखा ये राइडर्स यहाँ पे आए थे, एंड दिस इज पोर्ट्रेट ऑफ पेट्रियट्स, नाइस। And this is the view.
एकोमोडेशन दे देना। जीती चेक कर लेंगे। A few moments later. तो भाई खाना खाने के बाद हम यहाँ से निकल रहे हैं। काफी देर हुई है, घंटा सवा घंटा का हमने ब्रेक ले लिया, होता है पेट भर गया। के क्षेत्र में हो डाल लेती हो कॉन्फिडेंस अभी तू ढाई कर लेता, नीचे तो चलो नीचे चल पड़ते हैं भाई साहब। सही में यार, मतलब कुछ ज्यादा कंजेस्टेड नहीं हो गया यार? जो हमने चाकी थी। One eternity later. तो भाई पीछे नदी का मस्त सा नज़ारा आपको दिख रहा होगा, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है कहना पड़ेगा मुझे। हालत थोड़ी ख़राब सी है बट ये जो नज़ारा आपको मैं दिखा रहा हूँ बेहतरीन, थोड़ी देर पहले हमारी खुद की हालत सही नहीं। रीज़न आपने देखा होगा, हम एक थोड़े माउंटेन इलाके में चले गए थे। बेसिकली हमें बाहर से निकलना था बट बाई मिस्टेकनली हम मार्केट एरिया के अंदर से निकल गए कारगिल के। भाई लिटरली हमें बहुत डर लग रहा था क्योंकि यार एवरीबडी वॉज लुकिंग एट अस स्पेशल ऐसे के, क्योंकि एक तो हमारी गाड़ी हरियाणा नंबर वहाँ पे वैसे ही हम अलग से दिख रहे हैं, तो हर कोई हमें देख रहा था। फिर कुछ शायद नमाज अदा करने का भी टाइम आ गया था, तो इस वजह से भी लोग बाग थोड़े ज़्यादा ही हो गए थे वहाँ पे मार्केट के अंदर। बट यार लिटरली हमें ना बहुत डर लग रहा था यार, क्योंकि ना कितना अच्छा हो यार कोई कितना कुछ कर रहे कि भाई ना कम्युनिटी का जो डिफरेंस होता है ना वो कहीं ना कहीं हो जाता है। मैं नहीं बोलता हर कोई बुरा होता है अच्छा होता है, पांचों उंगली बराबर नहीं होती, लेकिन यार तो उसी तरीके से कोई भी बंदे एक जैसे नहीं होते। जहाँ अच्छे लोग रहते हैं वहाँ बुरे भी लोग रहते हैं। अब किसके माइंड में कब क्या कैसा क्या है कुछ नहीं पता भाई, इसलिए मैंने फिर बेटर करा कि मैं यार कोई बुरा समझे उस चीज़ को कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ क्यों ऐसे वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं बेटर है कि यार वीडियो बनानी ही बंद कर दूँ वहाँ पे। तो इसलिए मैंने वहाँ पे वीडियो उसी टाइम पॉज मारी, स्टॉप किया। वहाँ से निकलने के बाद अब जब साइड में थोड़ी बहुत जगह मिली है देन आई एम मेकिंग दिस व्लॉग कंटिन्यू। भाई प्लीज़ सपोर्ट करो मेरे भाई को, क्योंकि गलती से सही हम हर जगह घुस जाते हैं। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू शेयर सब्सक्राइब डू व्हाट एवर यू वांट जस्ट डू इट और स्टिल ब्लॉग इज गोइंग ऑन, तो देखो आगे फिर। सो भाई जोजिला पास के पास ही पहुंच चुके हम, मस्त व्यू है। लगा के चल रहा हूं पर दो नीचे दो मिनट बैठेंगे। अरे ये शांति से वीडियो बनेगी ना छोटी सी। ये बात इंट पे Yeah.
ठीक है ठीक है। Just entered in the Kashmir and this is the starting part of Kashmir. And look at the valley. ये ऊपर बर्फ है, सामने वो व्यू है। मतलब कश्मीर में आते हैं ना तुम्हें व्यू अच्छे मिलने लगते हैं, और ये ऊपर से बर्फ देखो पूरी बर्फ है और सामने बर्फ इकट्ठी हो रही है। लोग बाग यहाँ पर ना ATV चला रहे हैं इसके ऊपर। ये यहाँ पे ATV चल रही है, ये आपको दिख रही होगी। ये देखो यहाँ पे ये ATV खड़ी है, लोग बाग और कैंप लगा रखा है, उसके ऊपर चढ़ा रहे हैं बस। ऊपर से झरना भी गिर रहा है, बर्फ के नीचे से आ रहा है। नाउ वी आर बैक टू कश्मीर। सोचा था हम कुछ खाएं, चलो भाई हम थोड़ी देर के लिए रुके। चलो भाई चलो 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 जबरदस्ती का महंगा कर रखा है। कौन सी जगह ये? जो जिला पास क्रॉस करने के बाद कश्मीर में एंटर। इतना लूटते है लोगों को। बर्फ गंदी हो गई है, पता ही नहीं चला बर्फ है कहां से, बस झरना ही निकल रहा वहां से, वो पता चल रहा है। हां ऊपर देख, ऊपर देख। क्या ऊपर भी बर्फ है कि फोग बादल? कैसा था पानी? ठंडा। मार के बादल ही बादल। पानी ठंडा है, पानी ठंडा है। ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी तुझे। गेट किसका बंद नहीं है? किसी का गेट बंद नहीं है। मेरा ही खुल रहा था, मेरा खुल रहा होगा। नहीं अभी भी नहीं है। हेलीकॉप्टर दिख रहा है क्या? हाँ, मैं। हर सही में है।
प्लेन एरिया में आ गए और जहाँ पे हम खाएंगे कुछ खाना पीना बढ़िया वाला। वी आर ट्राइंग फॉर चाइनीज। व्हाट इज दिस? तवा रोटी, मोमोज भी यहाँ पे। अरे वाह, मजा आएगा भाई, मजा आएगा। तो भाई दो दिन के बाद अब जाके हमें कोई अच्छा सा चाइनीज खाना मिलेगा। हाँ, ये भाई है प्रिंस थे, कहाँ गए लोग? किस पे खाएंगे भाई हम? इस पे खाएंगे और किस पे खाओ? इसी पे। क्या नाम इसका? हिमालयन। हिमालयन के सेंटर है, कुछ अलग ही हो गया। हाँ यार, गोलगप्पे करते रहे कि खाए नहीं गए पर कहीं। जय माता दी। जम्मू दा डोगरा, जम्मू दा ढाबा, वन भोजन 100% प्योर वेजिटेरियन, फास्ट फूड, यह सब कुछ मिल रहा भाई, चाइनीज वगैरह। तो कितने? 20 के 6। हाँ ठीक है, चलो भाई गोल्ड कप भी खाएंगे। कैसा रेस्पॉन्स है भाई? अलग ही लग रहा है। गोलगप्पे की दही तोड़ी जा रही है यहाँ। अरे यो व्लॉगर तो नकली असली तो चालू हुआ है। अच्छा, अरे ये देखो, यो छोटू भाई का मुंह में कती पानी आ लिया है। सूखा गोलगप्पा दे दे ही तो बस। अरे यो व्लॉगर भाई कह रहा है कि मेरे गोलगप्पे की पती वीडियो बननी चाहिए, तो मैं अभी कुछ सेकंड के लिए हायर किया गया हूँ और GST देखेंगे अभी हम इनका। यो देखो इसके मुंह में भी पानी आ लिया है और यो कति पूरा ले गया जी मुंह में। ये देखो प्रिंस भाई राजी हो गए हैं। और यो हमारे SP साहब है जी, ये देखो जी। यो डटन का नाम मिले रहे जी, मेरा नंबर भी नहीं आने दे। इन्हें मीठा पसंद नहीं है। और भाई इस तरफ अगर आए आप तो गोलगप्पे इस भाई के ट्राई करें, ठंड भी नहीं लग रही। गोलगप्पे छोटे मोटे सब डाल के हैं, जोर है, जैसा आपका मुंह होगा वैसा ही देगा। बड़ा हरामी हो बेटा। भाई मेरे पीछे इतना मस्त व्यू है, लग ही नहीं रहा कि हम इंडिया के अंदर यार। ये देखो कैसे कॉटेज बन रखा ऊपर, ये पहाड़ और कितना बढ़िया व्यू है यार। पीछे वो कश्मीर रोड, बोलते हैं यार, सच बोलते हैं कि कश्मीर जन्नत है यार। ग्रास, हरे भरे पहाड़, पेड़ों से लगे हुए पाइन ट्रीज और ये कॉटेजेस, बहुत बढ़िया भाई, बहुत ज़्यादा बढ़िया। मेरा मज़ा आ गया, मेरा भी मन है यार कहीं मेरा ऐसा घर हो। भाई अभी मोमोज लेंगे, फिलहाल चाउमीन खा रहे हैं हम लोग। अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मुझे कुछ याद नहीं इस टाइम, जो भी था व्लॉग यहीं एंड करूंगा क्योंकि अभी फिलहाल मेरे को घर निकलना पड़ेगा इमरजेंसी के लिए, क्योंकि डुगू की तबीयत खराब हो गई ज़्यादा, तो रात को भी कुछ शूट नहीं कर पाया बस यार, सोया भी नहीं सही से। चलो फिलहाल एयरपोर्ट ही जा रहा हूँ मैं, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। आई होप सो सब कुछ सही मिले।